आप यज्ञ करेंगे नहीं करेंगे, बारिश होनी होगी तो होगी, और नहीं अगर होगी, मौसम नहीं बनता है वैसा तो नहीं होगी, चाहे जितना यज्ञ कर लीजिए। इसलिए साहब कहते हैं शंका रूप सब ग्रंथ है, समाधान नहीं कोई। सारे ग्रंथ शंका रूप है, उसमें समाधान नहीं है। समाधान सत्संग है, बूझे बिरला को। समाधान सत्संग में होता है, सत्संग में पता चलता है, वह भी जब पारखी संत लोग मिलते हैं तब। सत्संग तमाम प्रकार के सब बहुत मत पंथ है, अनेक प्रकार के अनेक मत पंथ है भारत में, सबका सत्संग चलता है। लेकिन अगर उनको बोध नहीं है तो गुरु द्वारा वहां भी समाधान नहीं मिलेगा, समाधान वहां भी नहीं मिलेगा। उल्टा आपको किसी न किसी चमत्कार अंधविश्वास में फंसा देंगे और फंसे रहते हैं। समाधान सत्संग है, बुझे बिरला कोई। पारखी इसलिए कहते हैं पारखी से संग करूं, गुरुमुख शब्द विचार, पारखी के संग करो। इसलिए जिंदा गुरु की जरूरत है, जिंदा गुरु की इसीलिए जरूरत है। सदग्रंथ का महत्व है लेकिन गुरु की भी जरूरत है। और जब बोधदाता गुरु मिल जाते हैं, जो जड़ चेतन का जो निर्णय कर देता है, जड़ को जड़ और चेतन को चेतन, जो सत्ता शाश्वत है और वह सबके अंदर है, उसको जो परखा देता है, लखा देता है, वह गुरु वंदनी है। तो मैं ये कह रहा था कि करु बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, अपने बाहों बल का भरोसा करना है। अध्यात्म क्षेत्र में हम दूसरे के भरोसे रह जाते हैं कि ये मंत्र पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हमारी बीमारी कट जाएगी। अगर कहीं ऐसा होता सज्जनों, तो यहाँ ना तो डॉक्टर की जरूरत होती, न वकील की जरूरत होती, न मास्टर की जरूरत होती, न किसी संत गुरु की जरूरत होती, और सब स्वस्थ होते और सबको रिद्धि सिद्धि मिल जाती। अगर पूजा पाठ यज्ञ हवन तर्पण करने से हो जाता तो। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? बीमारी होती, बीमारी लग जाती है, हम दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, और डॉक्टर जैसा कहते हैं वैसे खाते हैं, पीते हैं, वैसे दवाई लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम बीमार, बीमारी से ग्रसित रहेंगे। भौतिक क्षेत्र में आदमी कितना मेहनत करता है, खेत जोतता है, गोड़ता है, साफ करता है, तब बीज डालता है, और जो बीज डालता है वही उसको प्राप्त होता है। और आदमी चोरी करता है, भगवान के घर में जाकर के माफी मांगता है। आप सोचिए किसी रमेश नाम के आदमी के यहाँ कोई आदमी चोरी कर ले, रमेश नाम के आदमी चोरी कर ले, और महेश नाम के आदमी से क्षमा मांगे, तो उसका क्षमा करने योग्य है क्या? चोरी आप यहाँ किया हो और क्षमा किसी और के यहाँ मांगे, तो बात जमती है? नहीं जमती है। आदमी चोरी इंसान के घर में करता है और क्षमा मांगता है मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में। चोरी आप यहाँ करते, इंसान के यहाँ करता है और क्षमा मांग रहा है मंदिर मस्जिद में, चलेगा काम? नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपसे क्षमा मांगता है, आपके सारे चीजों को लौटा देता है और आपसे क्षमा मांगता है, तो निश्चित है आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप क्षमा कर भी देंगे। ये बात निर्णय की है। भौतिक क्षेत्र में मेहनत करना चाहिए, आदमी करता है क्योंकि जानता है कि अगर हम खेत में बीज नहीं डालेंगे तो हमको फसल मिलने वाला नहीं है। और जो मेहनत नहीं करता है भौतिक क्षेत्र में, तो उसको
पानी भी नसीब नहीं होता है। साहब कहता है जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। आंगन में नदी बह रही है फिर भी आदमी प्यास है क्योंकि वो पी नहीं रहा है, वो अपने अंजलि में पानी नहीं ले रहा है, मुंह तक नहीं टिका रहा है, तो आदमी प्यास तो मरेगा ही। एक राजकुमार था, वह शिकार के लिए निकला। भारत में बहुत से राजाए हुए हैं पहले जमाने में, अब तो नहीं रह गया, और यहाँ के राजा लोग शिकार करने जाते थे। ये दुर्भाग्य की बात है क्योंकि शिकार करने जाते थे, शिकार करने का मतलब है प्राणियों की हत्या। आजकल तो सरकार स्टे लगा दिए हैं, कोई जंगली जानवरों को या कोई किसी को नहीं मार सकता है, और चलते चलते कहीं मुर्गी भी दब जाती है ना आपकी गाड़ी से तो तुरंत पकड़ लेते हैं, 1000 रुपया ले लेते हैं, नहीं तो फिर चलिए थाना। तो पहले राजा लोग शिकार करने जाते थे, और ये हमारे देश की दुर्भाग्य रही या राजाओं का दुर्भाग्य रहा जो प्राणी हत्या करने जाते थे, और कभी कभी तो जानवरों की हत्या में आदमी को भी मार डालते थे, धोखा हो जाता था। जंगल है, आवाज सुने बाण चला दिए। दशरथ जी गए थे शिकार करने के लिए और श्रवण कुमार उन्हीं के हाथों मरा। तो जब जब शिकार करने जाते हैं कहीं कहीं अनहोनी होती है। मैं ये राजकुमार के बात कर रहा था कि राजकुमार शिकार करने निकले, रास्ता भटक गए और दिन भर का थका हुआ था, शाम होने चली थी और रास्ते में उसको मिला एक कुआं। कुआं मिला, बाल्टी रखी थी वहीं पर, वहीं बैठ गया। उसने सोचा कि मैं राजकुमार हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि आदमी आलस करता है तो वह प्यासा मरता है। राजकुमार वहीं बैठ गया, कुआं भी है, पानी भी है, बाल्टी है, लेकिन निकाल करके नहीं पी रहा है। वहीं बैठ गया कि कोई आएगा तो उससे कहूंगा कि पानी पिलाओ। और संयोग से एक लड़का आ गया तो उसने कहा, राजकुमार ने कहा कि भैया मुझे पानी पिला दो। उसने कहा यार बाल्टी तो है लेकिन पानी क्यों नहीं पी दे। अरे मैं राजा का लड़का हूँ, मैं पानी निकाल करके कैसे पीऊंगा, मेरे इतने नौकर चाकर है, वही जब पानी पिलाते हैं तब मैं पानी पीता हूँ, तो मैं राजकुमार का राजा का लड़का हूँ, राजकुमार हूँ, मैं राजा ज्यादा हूँ। और वह आदमी था जो लड़का गया था, वह मंत्री का लड़का था। उसने कहा तुम राजा ज्यादा हो तो मैं भी तो मंत्री का लड़का हूँ, मैं मंत्री ज्यादा हूँ। वह भी वहीं बैठ गया, न खुद पिया न उसको पिलाया। उधर से तीसरा आता है एक आदमी, वह आता है, ये दोनों उनसे कहते कि भाई पानी पिला दो, तो कहते आप लोग क्यों नहीं पीते। तो उसने कहा कि मैं राजा ज्यादा हूँ, ये कहता है मैं मंत्री ज्यादा हूँ। वह लड़का कहता है यार मैं भी कोई ऐसे ही अरुगरु आदमी नहीं हूँ, मैं भी बड़े खानदान का लड़का हूँ, अमीर हूँ, सेठ का लड़का हूँ, तो मैं अमीर ज्यादा हूँ। तीनों बैठ गया, कोई निकाल करके पानी नहीं पी रहा है। फिर उधर से चौथा नंबर का एक आदमी आता है, उनसे इन्होंने कहा कि भैया पानी पिला दो। तो इसने कहा कि पानी है, बाल्टी है, तो आप लोग निकाल करके क्यों नहीं पीते। तो उसने कहा कि मैं राजकुमार का राजा का लड़का हूँ, इसलिए मैं राजा ज्यादा हूँ, ये मंत्री ज्यादा है और ये अमीर ज्यादा है। उसने कहा कि रुको। उसने पानी निकाला, पानी पी लिया। इन लोगों ने कहा कि हमें भी पिला दो। उसने कहा कि जब तुम राजा ज्यादा हो, ये मंत्री ज्यादा है और ये अमीर ज्यादा है, जब आपस में पानी पी नहीं सकते, पिला नहीं सकते, तो मैं भी हराम ज्यादा हूँ, न पीता हूँ, मैं किसी को पिलाता नहीं हूँ, पीता बस हूँ। उसने पिया और चला गया। साहब कहते हैं जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। हमारे आंगन में नदी बह रही है,
और हम प्यास मर रहे हैं। संत गुरुजन होते हैं, हराम ज्यादा भी नहीं होना है, खुद पी लिए दूसरे को पिलाना, पीना तो अच्छी बात है, लेकिन हराम ज्यादा के लक्षण है भाई, सहयोग की भावना होनी चाहिए। इस संत गुरुजन खुद अपने मन को निर्मल करते हैं और शांति का जीवन जीते हैं और साथ ही लोगों को शांति का मार्ग बताते हैं। देखिए, ये लोग पानी पीते हैं और दूसरों को पिलाते भी हैं। आप लोग तो बाहर का पानी पिलाते हैं जिससे दो चार घंटे के लिए प्यास बुझती है, प्यास। अब ये संत गुरुजन जो पानी पिलाते हैं उसमें आपके तृप्ते हुए आत्मा को शांति मिलती है, जलती हुई आत्मा को शांति मिलती है। आप जीवन भर के लिए शांति का अनुभव कर सकते हैं अगर इनके पानी पी लिए तो, इनके पानी पी लिए तो। लेकिन हम लोग संसार के पानी पी रहे हैं, सांसारिकता का पानी पी रहे हैं। किसको महत्व दे रहे हैं? शांति को महत्व नहीं दे रहे हैं, धन को महत्व दे रहे हैं, दौलत को महत्व दे रहे हैं। जो छूटने वाली चीज है, घर परिवार जमीन जायदाद रुपये पैसे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, जो छूटने वाली चीज है उसको महत्व दे रहे हैं। सदगुरु अभिलाष साहब जी को एक जगह जाना हुआ, यहाँ से बहुत से लोग जानते हैं सदगुरु अभिलाष साहब जी को, एक जगह जाना हुआ तो उसको ले जाने के लिए गाड़ी आई, महंगी गाड़ी आई। उस आदमी ने बैठा रहा, कहे कि गुरुजी ये बहुत महंगी गाड़ी है। अच्छा, बहुत महंगी गाड़ी है? गुरुजी ने कहा तुमसे भी ज़्यादा महंगी है क्या? गुरुजी बैठे चले गए, घर मिले गए, घर भी बड़ा अच्छा जोरदार बंगला बनाया हुआ था महल तरीके। उसने कहा कि गुरुजी बहुत कीमत की बनी हुई ये बिल्डिंग है, बहुत कीमत की बनी हुई। अच्छा, तुमसे भी ज़्यादा कीमती है? ले गया, कमरे दिखाए, दरवाजा दिखाए, शौचालय बाथरूम, आजकल तो शौचालय बाथरूम देखने लायक रहता है भाई। शौचालय बाथरूम देखने लायक तो नहीं होने चाहिए, लेकिन देखने लायक होती शौचालय बाथरूम, उसमें टोटी लगी रहती है, वो तो समझ में नहीं आता है कि इस टोटी को दाया घुमाए कि बाया घुमाए, ऊपर घुमाए कि नीचे घुमाए। कई बार हम लोगों का अनुभव है, अच्छे अच्छी जगह जाना होता है, आप लोग ले जाते हैं, और प्रायः जब नई नई चीज बनी होती है ना तो और ले जाते हैं आप लोग, और कहते हैं कि साहब जी आप इस बाथरूम में नहाएंगे, आपके लिए बना है ये। अब वहाँ हम लोग का संपर्क करने ज्यादा जानते नहीं हैं, कई बार टोटी हाथ में लेने के लिए घुमाते हैं और टोटी से पानी आ जाता है, ऊपर से सावर से भींग जाते हैं। कई दफा ऐसा हुआ है महात्मा लोगों से। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज आप लोग लगाते हैं कि समझ में नहीं आता है। तो उस आदमी ने कहा कि साहब जी देखिए ये इतनी महंगी टोटी है, इतना महंगा ये है, कालीन बिछी हुई है। गुरुजी ने कहा कि तुमसे महंगी चीजें कुछ नहीं है। उस भगत ने कहा क्या साहब जी आपने सब पर पानी फेर देते हैं। गुरुजी ने कहा जब तक सब पर पानी नहीं फेरा जाएगा तुम पर या खुद पर पानी चढ़ने वाला नहीं है। इसलिए सारे बाहर की चीजों पर है उसका महत्व है, मेहनत करिए, काम धंधा करिए, सब कुछ करिए और जी तोड़ मेहनत करिए। और हमारे संत लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब की साखी, करु बहिया बल आपनी, अपने बाहों बल का जितना हो सके भरोसा करो, मेहनत करो, मेहनत में कमी ना करो। और मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसमें लेकिन संतोष भी करना चाहिए, तृष्णा नहीं होनी चाहिए, और की तृष्णा नहीं होनी चाहिए, संतोष करना चाहिए। तो दुनिया की चीजें तो एक दिन सब हम छोड़े या ना छोड़े, उस पर पानी फेरे या ना फेरे, फिरना ही है। देखते देखते आप लोग बच्चे को कितना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसको योग्य बनाते हैं, और अंत समय में पानी देने के लिए वह नहीं रहता है, बाहर रहते हैं। और जितने पढ़े लिखे होते हैं, जितने पोस्टिंग होती हैं, विदेश में होते हैं, गांव घर पड़ोस के लोग क्रियाकलाप कर लेते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तब पहुंचते हैं। पानी फिर गए ना आपके सपने पर? आप तो सोचे थे ये मेरे बुढ़ापे की लाठी होगी, मेरे बुढ़ापे की यही आँख होगी, इन्हीं की आँखों से मैं दुनिया को देखूंगा। साहब कहते हैं जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास, हमारे आंगन में नदी बह रही है,
वो जिस चीज की हमें तलाश है, जिस सुख की, शांति की, जिस आत्मा की, परमात्मा की, वो आत्मा परमात्मा तो हमारे अंदर है, हम सब के अंदर है, उसी को समझना है। जो उसको समझ जाता है वह दुनिया में और कहीं आकर्षित नहीं होता है, दुनिया की चीजें फिर उसको तुच्छ लगती है। तेरे ही अंतस्तल में वह सुख सागर लहराता है, पर विपन्न होकर तू दर दर ठोकर खाता है। वो सुख का सागर सबके अंदर है, लेकिन समझने की जरूरत है। जब तक हम दोष दुर्गुण को नहीं छोड़ेंगे, उसका अनुभव होना मुश्किल है। मेरा समय पूरा होता है, इस पर और विस्तार से संत गुरु जनों द्वारा और सुनने को मिलेगा, जिसको सुन करके हम सब अपनी आध्यात्मिक प्यास को मिटा करके सुख शांति का अनुभव करेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु देव की जय। बहुत ही सुंदर विचार श्री साहिब जी के मुखारविंद से हम लोगों ने श्रवण किया कि पानी में मीन प्यासी, मुहि सुनी सुनी आवत हासी। मछली पानी में रहती है किंतु प्यासे मर जाती है, जब तक उल्टेगी नहीं तो पानी पी नहीं सकती है। ठीक उसी तरह से हम अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं, चाह के अनुसार यदि कर्म नहीं होता है तो चाह बनी रह जाती है और वही वासना हमें जीवन में दुख देती है। तो आइए जो हम बनना चाहते हैं वो करें, तो हम खुद ब खुद अपने जीवन को वो बना सकते हैं जो चाहते हैं। तो आइए इसी विचार की कड़ी में हम प्रयागराज से पधारे श्री रविंद्र साहब से आग्रह करते हैं, संत समाज की ओर से, भक्त समाज की ओर से, आप आए और अपने विचार को हम सबों के समक्ष प्रस्तुत करें, सबों को लाभान्वित करें और साथ ही साथ समय पर ध्यान देते हुए बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। एक सूचना है, एक माता जी की स्टील की लाठी है, वो कोई यदि लिए हैं कहीं देखे हैं, कृपया आकर के मंच के सामने आप रखें और माता जी आएंगी वो अपनी लाठी लेकर जाएगी। स्टील की लाठी है, जिन किसी सज्जनों को, माताओं को वो मिले तो आप मंच के सामने लाएं। बोलिए प्रेम से सतगुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए सतगुरु देव की जय। उपस्थित में कमी नहीं है मगर आवाज में कोई दम भी नहीं है, इसीलिए आप लोग एक बार जोर से सद्गुरु का जयकारा लगाएंगे। तो प्रवक्ता लोग तो बोलते ही हैं, आप लोग को कभी कभी मौका दिया जाता है, इसीलिए आप लोग एक बार जोर से सद्गुरु का जयकारा लगाएंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य सद्गुरु देव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमियों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी आप लोग कल से ही कई संतों से अध्यात्म क्षेत्र के व्यवहारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान से आप लोग लाभान्वित हो रहे थे, क्योंकि भक्ति क्षेत्र में ही आदमी अपने आप को बनाता है। भक्ति मार्ग से ही आदमी सब कुछ पाता है, और जिसने
सब कुछ पा लिया है, उनका जीवन धन हो गया, वह धनवान हो गया। वही धनवान आदमी अपना धन बांटता है और उस धन से आदमी धनवान होते जा रहा है। अभी आप लोग सभी संतों की से सुनते आए हैं कि जो धन छूट जाता है वह माया है। क्या है? छूट जाए सो माया। और छूटे हुए धन के लिए आदमी कितना प्रयास करता है, कितना पुरुषार्थ करता है, दिन दुनी चार चुगुनी, क्योंकि धन की आवश्यकता है। धन के बिना जीवन नहीं चल सकता है, धन के बिना आप धर्म नहीं कमा सकते हैं, धन के बिना आप साधु संत की सेवा नहीं कर सकते हैं। इन सब की आवश्यकता है। इसके साथ हमें एक ऐसा धनवान होना चाहिए जो कभी आपसे अलग न हो। वह क्या है? अध्यात्म की कमाई। अध्यात्म की कमाई जो करता है, जो आत्मधन का जो संचय करता है, जिसने राम रस, कबीर साहब इसको राम रस कहा है। एक होता है काम रस। काम रस वह होता है जो आदमी कामनाएं में, इच्छाएं में, वासनाओं में जीता है और आदमी जी जी कर मर जाता है। उन्हें शांति सुख का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है। जिस राम के लिए आदमी, जिस भगवान के लिए आदमी, जिस परमात्मा के लिए आदमी बहुत व्याकुल रहता है कि हमें ईश्वर मिल जाए, क्योंकि ईश्वर से उन्हें कुछ पाना है। क्या पाना है? भौतिकता पाना है, सुख सुविधा पाना है, धन ईश्वर पाना है। कुछ पाने की इच्छा है तब आदमी ईश्वर को खोजता है और ईश्वर मिलता नहीं है। आदमी धर्म के नाम पर कहाँ कहाँ भटकता है। कोई हरिद्वार जाता है, कोई प्रयागराज जाता है, कोई स्नान करता है, कोई नंगे खरेसुरी रहता है। कुछ ना कुछ जो जिनकी अंदर धार्मिकता है वो आदमी कुछ ना कुछ करते रहता है, क्योंकि उनकी वैसी समझ है। समझ के अनुसार आदमी धर्म के पथ पर चलता है। मगर आदमी के पास यदि सही ज्ञान हो जाए, सही विचार हो जाए, सही बोध हो जाए, सबसे बड़ी बात है कि बोध हो जाना कि आदमी क्यों भटक रहा है, क्यों। कबीर साहब कहते हैं, हृदय बसे ते ही राम न जाना। सबके अंदर जो रामता राम है, बोलता पुरुष है, सबके अंदर जो वह विराजमान बैठा है, उनकी परख नहीं है, उनका ज्ञान नहीं है, उनके विषय में वैसा विचार नहीं मिलता है। इसलिए आदमी दर दर भटकता है और भटकते भटकते आदमी थक जाता है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा, साहेब सबके अंदर बैठा है। साहेब जो है सबके अंदर बैठा है, मगर साहेब को हम जानते नहीं हैं। घट 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 वह राम है, वह परमात्मा है, वह ईश्वर है, मगर ईश्वर को हम समझते नहीं हैं। इसीलिए आदमी दूसरे को दुख देता है, दूसरे को संताप देता है, दूसरे को कष्ट देता है। हम बाहर तौर पर बहुत भटकते हैं, मगर
हमारे आसपास में परमात्मा का विराजमान है, सबके अंदर जो रमता राम है सबके अंदर है, मगर उनकी समझ नहीं होने पर हम आपस में क्या होता है, लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, विवाद कर लेते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और विवाद करते हुए भी हम अपने आप को भक्ति मार्ग में चलने का ढोंग करते हैं। क्योंकि जहाँ लड़ाई न हो, जहाँ शांति है, वहीं भगवान का वास है। कहाँ है? जहाँ शांति है वहीं भगवान का वास होता है। जहाँ अशांति है, कलह है, जहाँ आपस में विवाद है, किसी न किसी प्रकार से आदमी किसी न किसी को दुख देने का प्रयत्न करते रहा है। आदमी तन से किसी को दुख देता है, क्योंकि साधन कर्म के तीन होते हैं, तन मन और वचन। शरीर से आदमी लड़ जाता है, कितने शरीर से आदमी किसी को काटता है, कितना दुख देता है, या शरीर से ही दुख देना भी कर्म को दूषित करना है, क्योंकि यह कर्म प्रधान जीवन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, क्योंकि कर्म से ही आदमी बड़ा हुआ है। आप जितने भी महापुरुष के नाम जानते हैं, उनकी कर्म की प्रधानता है। बुद्ध है, महावीर है, और राम है, कृष्ण है, कबीर है, जितने भी संत परंपरा के महात्मा गण हुए हैं, सब में कर्म की प्रधानता हुई, कर्म की विशेषता हुई है, इसीलिए वे आप लोग के सामने अभी तक विराजमान है। उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनका आदर्श हम लोग अभी भी इस पंडाल से व्याख्या करते हैं कि ऐसे संत हुए हैं जो अपने आदर्श और अपने ज्ञान से हम लोग को कुछ दे कर गए हैं। इसीलिए हम लोग को भी सीखना चाहिए कि तन मन और वचन से किसी को दुख नहीं देना चाहिए। हम हिंसा, क्योंकि कबीर साहब तो मनुष्य को बड़ा कहा है। कबीर साहब ने नहीं कहा कि विद्वान ही बड़ा है। उनका प्रसिद्ध साखी है, मानुष तेरा गुण बड़ा। क्या कहा है? मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आवरना, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य, कबीर साहब ने तो मानवता धर्म का प्रचार किया है, मनुष्य को ही बड़ा कहा है, मगर शर्त है। शर्त क्या है? उनके अंदर सद्गुण का फूल खिलते रहना चाहिए। जिसके अंदर सद्गुण का फूल खिलता है, उनकी सुगंधी चारों तरफ फैल जाती है। वह सद्गुण का फल क्या है? दया। दया जिसके अंदर है, वही असली धर्म को समझ सकता है। कबीर साहब ने कहा, जहाँ दया तहाँ धर्म है। क्या है? जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ क्रोध है तहाँ काल है। तो दयावान होना चाहिए, सभी प्राणी दया के योग है। बुद्ध ने जब बुद्धत्व की प्राप्ति की, उन्हें जब ज्ञान हुआ, तो इस संसार को किस आँखें से उसने आका, क्योंकि उसने यह विचारा कि यह मनुष्य जो है, मनुष्य करुणा करने योग है। क्या कहा? मनुष्य जो है करुणा करने योग है, क्योंकि ये लोग अज्ञान है। अज्ञानी आदमी करुणा के योग होते हैं, और ज्ञानी आदमी समझ के योग होते हैं। उनके पास वैसा विचार है, उनके पास वैसा विवेक है, उनके पास उतनी समझ है, क्योंकि उनकी बुद्धि प्रखर होती है। उनका जो विवेक है दूसरे संसार से ऊपर उठा हुआ उनका चिंतन होता है। इसीलिए अज्ञानी जो है करुणा करने योग है, क्योंकि आदमी सब प्रकार से दुखी है। आदमी जो है हर प्रकार से दुखी है, इसीलिए हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुख जो देता है
वह दुख स्वयं अपने आप पर लेता है। कि जैसे कोई माचिस जलता है, पहले अपने आप को जलाता है, फिर दूसरे को जलाने का काम करता है। हम माचिस न बरे, हम पानी की तरह शीतल हो, क्योंकि वचन का भी प्रयोग करना सीखना चाहिए। क्योंकि वचन ही ऐसा है, वाणी ही ऐसा है जो विष को जहर बना देता है, जहर को अमृत बना देता है। क्योंकि मीठी वाणी बोलिए, कबीर साहब ने तो वाणी का इतना सदुपयोग करने के लिए सिखाया है कि मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हम शीतल हो। पहले तो आप शीतल होंगे। यदि आप कुछ आपके पास कुछ ना हो, आप इतना निर्धन भी नहीं है कि आप दूसरे की सेवा नहीं कर सकते हैं, नहीं भी है, मगर अपनी वाणी के द्वारा, अपने मीठी वाणी के द्वारा आप दूसरे के दुख और संताप को भी दूर कर सकते हैं। मगर हम वाणी का संयम नहीं है जीवन में, क्योंकि जीवन में हर प्रकार की संयम की आवश्यकता है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए संयम की महती आवश्यकता है। यदि जीवन में संयम नहीं है तो उनका जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि संयम जो है जीवन को एक सही रास्ता की ओर ले जाता है। तो हमें जीवन में संयम की आवश्यकता होना चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बरा। तो गुण के कारण मनुष्य बरा होता है। मनुष्य के पास विद्वता हो न हो चल सकता है। क्योंकि विद्वान आदमी बहुत बड़ा अहंकारी हो जाता है। और धर्म जो होता है वह आदमी को शीतलता की ओर ले जाता है, निरहंकारी बनाता है, निर्मल बनाता है, अंदर से पवित्र बनाता है। उनकी शीतलता उन्हें दर्शा देता है कि आदमी के अंदर सुख और शांति विराजमान है। मगर आदमी अपने आप का रास्ता जान ले, अपने आप के अनुभव ज्ञान हो जाए तो आदमी बहुत बड़ा हो सकता है। हर क्षेत्र में पुरुषार्थ की आवश्यकता है। भौतिक क्षेत्र में आदमी पुरुषार्थ करते जा रहा है, मगर वहाँ से आदमी को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। मगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आदमी यदि कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करते जाए तो मनुष्य को यह अनुभव हो जाएगा कि मनुष्य के अंदर ही सब कुछ विराजमान है और उनके अंदर सुख शांति का अपार धन है। मगर कबीर साहब ने कहा, बंदे कर ले आप निबेरा। शर्त है, कबीर साहब पुरुषार्थवादी संत थे, नहीं भागवादी संत थे, नहीं भगवानवादी। किसी के भरोसे उनका काम होने वाला नहीं है। कर बलवाही आपनी। क्या कहा है? कर बलवाही आपनी। क्योंकि धर्म के क्षेत्र में आगे आपको बढ़ना है, इसमें शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई होगी। उनके लिए आप लोग को तटस्थ होना पड़ेगा, क्योंकि यह संयम का जीवन है। अच्छे संस्कार बनाने के लिए यह जीवन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथ ही गावा। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार। कबीर साहब कहते हैं यही जीवन को आप यदि धर्म के क्षेत्र में पुरुषार्थ की ओर ले जाते हैं तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, पवित्रमय हो जाएगा और अपने आप को आप अच्छे ढंग से जीवन जी सकते हैं। बोलिए।